वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पांचों किंगडम यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक को और किंगडम प्लांटी के सभी डिवीजन के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग किंगडम एनिमेलिया के फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि एनिमेलिया किंगडम के सभी ऑर्गेनिज्म मोटाइल होते हैं, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं यानी ये एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक होता है, यानी इनके सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है। लेकिन प्लांटी की तरह इनके सेल के चारों ओर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, और ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। एनिमेलिया किंगडम के सभी ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, लेकिन एनिमेलिया किंगडम को कुछ क्राइटेरिया के आधार पर फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, जैसे एनिमल के बॉडी का डिज़ाइन और उनके बॉडी का डिफ्रेंसिएशन कैसा है, यानी इनके बॉडी में डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए टिश्यू और ऑर्गन्स का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इन क्राइटेरिया के आधार पर एनिमेलिया किंगडम को फॉलोइंग फाइलम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पॉरीफेरा, सेकेंड सिलेंट्रेटा, थर्ड प्लेटीहेलमेंथिस, फोर्थ नेमाटोडा, फिफ्थ एनेलिडा, सिक्स्थ आर्थ्रोपोडा, सेवेंथ मोलास्का, एट एकिनोडर्मेटा और नाइन्थ है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को फर्दर प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिवेटा में क्लासिफाइड किया गया है। इन सभी फाइलम के एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके डिटेल में देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे जिनके आधार पर एनिमेलिया किंगडम को क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ हम कुछ ऐसे डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे जिनके आधार पर एनिमेलिया किंगडम को डिफरेंट फाइलम में बांटा गया है। फर्स्ट है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी के बाहर के सरफेस के एक पार्ट का शेप और साइज बॉडी के दूसरे पार्ट के शेप और साइज से सेम है या नहीं, और बॉडी को सेंट्रल पॉइंट से कितने लाइन के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ बॉडी के दो बराबर भागों का मतलब है कि बाहर से देखने में बॉडी के दोनों भाग एक जैसा दिखें। एनिमल्स में तीन टाइप के बॉडी सिमेट्री पाए जाते हैं। फर्स्ट है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को सिर्फ एक सिंगल प्लेन से यानी सिर्फ एक सेंट्रल लाइन के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉकरोच का बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है क्योंकि कॉकरोच के बॉडी को सिर्फ एक सिंगल प्लेन से यानी सिर्फ एक सिंगल लाइन के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन इसके बॉडी को किसी और प्लेन के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता है। सेकेंड है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सी अर्किन का बॉडी रेडियल सिमेट्रिकल होता है क्योंकि सी अर्किन के बॉडी को किसी भी प्लेन से यानी किसी भी सेंट्रल लाइन के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। थर्ड है असिमेट्री। असिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पॉन्जिला का बॉडी असिमेट्रिकल होता है क्योंकि स्पॉन्जिला के बॉडी को किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है जर्म लेयर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के फुल डेवलपमेंट होने के पहले यानी ऑफ स्प्रिंग के जन्म होने के पहले के स्टेज को एम्ब्रियो कहते हैं। जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में रहता है यानी एम्ब्रियो के स्टेज में रहता है, तो एम्ब्रियो में सेल्स के कुछ लेयर फॉर्म होते हैं।
जिन्हें कहते हैं जर्म लेयर। ये जर्म लेयर एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं और जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये जर्म लेयर भी टिश्यू और ऑर्गेन्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी अलग अलग जर्म लेयर अलग अलग टिश्यू और ऑर्गेन्स में डेवलप हो जाते हैं। जर्म लेयर के आधार पर एनिमल्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और सेकेंड है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय सिर्फ दो जर्म लेयर प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट है एक्टोडर्म और सेकेंड है एंडोडर्म। एक्टो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। यानी एक्टोडर्म आउटर लेयर है और ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटर सरफेस जैसे स्किन को फॉर्म करता है और एंडोडर्म इनर लेयर है और ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनर ऑर्गन जैसे गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करता है। सेकेंड है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इन एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय तीन जर्म लेयर प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट है एक्टोडर्म, सेकेंड है एंडोडर्म और थर्ड है मेजोडर्म। मेजो का मतलब होता है मिडिल यानी बीच में। यानी मेजोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट रहता है। मेजोडर्म ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अधिकांश ऑर्गन्स को फॉर्म करता है। क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मेजोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है इसलिए इन एनिमल्स में ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मेजोडर्म प्रेजेंट होता है इसलिए इन एनिमल्स में ट्रू ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी या सीलोम। बॉडी कैविटी बॉडी में एक स्पेस या कैविटी है जहाँ इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है और ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। बॉडी कैविटी में फ्लूइड भरा रहता है और ये मेजोडर्म से घिरा होता है। लास्ट है डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस का मतलब है ऑर्गेनिज्म के बॉडी का अपर साइड यानी ऊपर का साइड या बैक साइड यानी पीछे का साइड और वेंट्रल सरफेस का मतलब है ऑर्गेनिज्म के बॉडी का लोअर साइड यानी नीचे का साइड या फ्रंट साइड यानी सामने का साइड। लीफ का अपर साइड यानी ऊपर का साइड डॉर्सल सरफेस है और लोअर साइड यानी नीचे का साइड वेंट्रल सरफेस है। ह्यूमन के बॉडी में बैक साइड यानी पीठ डॉर्सल सरफेस है और फ्रंट साइड यानी पेट चेस्ट और फेस वेंट्रल सरफेस है। जो ऑर्गेनिज्म रेंगते हैं तैरते हैं हवा में उड़ते हैं या अपने चारों पैरों से चलते हैं उनमें अपर साइड यानी ऊपर का साइड डॉर्सल सरफेस है और लोअर साइड यानी नीचे का साइड वेंट्रल सरफेस है। नेक्स्ट पेज से हम लोग एनिमेलिया किंगडम के सभी फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के सभी ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी में होल्स या पोर्स यानी छेद प्रेजेंट रहता है इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को पॉरीफेरा कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें स्पॉन्जेस भी कहा जाता है क्योंकि इनका बॉडी स्पॉन्ज की तरह सॉफ्ट होता है। इनके बॉडी में ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। ये अपने बॉडी में प्रेजेंट पोर्स को एक कैनाल सिस्टम की तरह यूज करते हैं यानी पोर्स से होकर वाटर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और वाटर के साथ फूड और ऑक्सीजन भी पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। एनिमेलिया किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमेलिया के सभी ऑर्गेनिज्म मोटाइल होते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं लेकिन पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल होते हैं यानी ये एक जगह से दूसरी जगह में मूव नहीं करते हैं। ये प्लांट्स की तरह ही किसी सॉलिड सरफेस पर अटैच रहते हैं। इनका बॉडी बाहर से हार्ड लेयर या स्केलेटन से ढका होता है। सभी एनिमल्स की तरह पॉरीफेरा के एनिमल्स भी मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन इनमें टिश्यू का डिफरेंशिएशन बहुत कम हुआ है इसलिए इनमें ट्रू टिश्यू या ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। ये एसिमेट्रिकल होते हैं यानी इनके बॉडी को किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी इनमें सिर्फ दो जर्म लेयर
प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट है एक्टोडर्म और सेकेंड है एंडोडर्म। इनके सभी एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं यानी पानी में रहते हैं और मोस्टली मेराइन यानी समुद्र में रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि पॉरीफेरा के एनिमल्स सबसे अधिक सिंपल और प्रिमिटिव हैं क्योंकि इनके बॉडी में ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोम एब्सेंट है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें ट्रू टिश्यू या ऑर्गेन का डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है और ये एसिमेट्रिकल और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पॉरीफेरा के एग्जाम्पल हैं साइकोन, स्पॉन्जिला और ओलिंथस। सेकेंड फाइलम है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। पॉरीफेरा की तरह ही इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में भी सिलोम या ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इनके बॉडी में हॉलो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, इसलिए इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को सिलेंट्रेटा कहा जाता है। पॉरीफेरा की तरह ही इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म भी एक्वेटिक होते हैं यानी पानी में रहते हैं और मोस्टली मेराइन यानी समुद्र में रहते हैं। इनमें टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है लेकिन पॉरीफेरा से अधिक होता है। इनका बॉडी रेडियल सिमेट्रिकल होता है यानी इनके बॉडी को किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी इनमें दो जम लेयर प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट है एक्टोडर्म और सेकेंड है एंडोडर्म। इनमें स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है लेकिन इनमें फूड और ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन और वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन इनके पूरे बॉडी के सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इनमें से कुछ स्पेसीज कॉलोनी यानी एक साथ ग्रुप में रहते हैं जैसे कोरल्स, और कुछ ऑर्गेनिज्म सॉलिटरी यानी अकेले रहते हैं जैसे हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनिमोन्स। थर्ड फाइलम है प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी हेलमेंथिस के ऑर्गेनिज्म को फ्लैट वर्म भी कहा जाता है क्योंकि इनका बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट एंड होता है यानी रिबन की तरह चपटा होता है। जिस तरह से रिबन में अपर और लोअर दो सरफेस प्रेजेंट होता है, वैसे ही इनके बॉडी में एक डॉर्सल यानी अपर सरफेस और वेंट्रल यानी लोअर सरफेस प्रेजेंट होता है। क्योंकि इनका बॉडी चपटा होता है इसलिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा इनके बॉडी से पास होता है। इनका बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है यानी इनके बॉडी को सिर्फ एक प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी इनमें तीन जम लेयर प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट है एक्टोडर्म, सेकेंड है एंडोडर्म और थर्ड है मेसोडर्म। इनमें कुछ डिग्री का टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन भी होता है लेकिन इनमें बॉडी कैविटी या सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए प्लेटी हेलमेंथिस सभी बायलेटेरियंस यानी सभी बायलेटरली सिमेट्रिकल वाले ऑर्गेनिज्म में सबसे अधिक प्रिमेटिव होते हैं। इनमें सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स भी एब्सेंट होता है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग होते हैं यानी ये सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते हैं जैसे प्लेनेरिया और टर्बेलेरिया, और कुछ ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक होते हैं यानी ये सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं और उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं जैसे लिवर फ्लूक। फोर्थ फाइलम है नेमाटोडा। नेमाटोडा के ऑर्गेनिज्म का बॉडी प्लेटी हेलमेंटिस की तरह ही बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है यानी इनके बॉडी को भी सिर्फ एक सिंगल प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी इनमें भी तीन जम लेयर प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनका बॉडी प्लेटी हेलमेंटिस की तरह फ्लैटेंड नहीं होता है बल्कि इनका बॉडी सिलिंड्रिकल होता है। इनका बॉडी लंबा और सिलिंड्रिकल होता है और इनके दोनों एंड में टैपरिंग होती है यानी इनका दोनों एंड पतला और पॉइंटेड होता है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कुछ ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जमीन पर रहते हैं। प्लेटी हेलमेंटिस की तरह ही इनमें भी सिर्फ टिश्यू लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन होता है लेकिन कोई रियल ऑर्गेन जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम
या रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें भी बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है, लेकिन बॉडी कैविटी की तरह ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं स्यूडोसोलोम। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग होते हैं, यानी ये अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते हैं, जैसे सी एलिगेंस। और कुछ ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक होते हैं, यानी ये अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं और उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसे एस्केरिस, फिलेरियल वॉर्म्स और पिन वॉर्म्स। इन पैरासाइटिक नेमाटोड्स के कारण कुछ डिजीज भी होता है, जैसे फिलेरियल वॉर्म्स के कारण एलिफेंटियसिस डिजीज होता है। इस डिजीज में हाथ और पैर में स्वेलिंग हो जाता है, यानी इन्फेक्टेड एरिया फूल कर बहुत बड़ा हो जाता है। इसके अलावा राउंड वॉर्म्स ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है, जिसके कारण पेट में दर्द या वोमिटिंग होता है। फिफ्थ फाइलम है एनेलिडा। प्लेटीहेलमिंथिस और नेमाटोडा की तरह ही एनेलिडा के ऑर्गेनिज्म भी बायलेटरली सिमेट्रिकल और टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके बॉडी को भी सिर्फ एक सिंगल प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और इनमें भी तीन जर्म लेयर यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लेटीहेलमिंथिस और नेमाटोडा से अधिक इनके बॉडी में ऑर्गेन का डिफ्रेंसिएशन होता है, क्योंकि इनका बॉडी हेड से टेल तक कई भागों में बटा होता है, यानी इनके बॉडी में सेगमेंट प्रेजेंट होता है और इन सेगमेंट में ऑर्गेन प्रेजेंट रहता है। और इस तरह से इनके बॉडी में ऑर्गेन का डिफ्रेंसिएशन एक सेगमेंटल फैशन में हेड से टेल तक होता है, क्योंकि एनेलिडा का बॉडी कई भागों में बटा होता है, यानी इनमें सेगमेंट प्रेजेंट होता है जो रिंग की तरह दिखाई देता है, इसलिए इन्हें रिंग वॉर्म या सेगमेंटेड वॉर्म भी कहा जाता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इसलिए इनमें रेस्पिरेशन बॉडी के सरफेस के द्वारा होता है। इनमें ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोम प्रेजेंट होता है। इनमें से कुछ एनिमल टेरिस्टल होते हैं और कुछ एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में कुछ फ्रेश वाटर यानी नदी या झील में रहते हैं और कुछ मेराइन वाटर यानी समुद्र में रहते हैं। एनेलिडा का एग्जाम्पल है नेरिस, लीच और अर्थवर्म। सिक्स्थ फाइलम है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा फाइलम एनिमल्स का सबसे बड़ा ग्रुप है, यानी हमारे अर्थ में जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनमें से सबसे अधिक एनिमल्स ऑर्थोपोडा फाइलम के हैं। ऑर्थोपोडा में ऑर्थो का मतलब है ज्वाइंट और पोडा का मतलब है फुट, यानी ऑर्थोपोडा का मतलब है ज्वाइंटेड लिम्स या लेग्स, यानी जुड़ा हुआ पैर। इस तरह से ऑर्थोपोडा का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके बॉडी में ज्वाइंटेड लिम्स प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा इसके बॉडी के ऊपर के सरफेस में रिजिड क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है, जो इसके बॉडी को इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है। इसका बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी इसके बॉडी को सिर्फ एक सिंगल प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और ये टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें भी तीन जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म प्रेजेंट रहता है। और एनेलिडा की तरह ही इनका बॉडी भी सेगमेंटेड होता है, यानी अलग अलग भागों में बटा होता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, यानी इनमें ब्लड ब्लड वेसल से होकर फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है। इनमें सिलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है और इनमें ब्लड भरा रहता है। ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल है प्रॉन, बटरफ्लाई, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियन और कॉकरोच। सेवेंथ फाइलम है मोलस्का। एनेलिडा और ऑर्थोपोडा की तरह ही मोलस्का का बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी इनके बॉडी को भी सिर्फ एक सिंगल प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें भी तीन जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म प्रेजेंट रहता है,
लेकिन इनके बॉडी में बहुत कम सेगमेंटेशन होता है। इनके बॉडी के वेंट्रल पार्ट यानी इनके बॉडी के नीचे के पार्ट में फुट प्रेजेंट रहता है। फुट का यूज़ क्रीपिंग यानी धीरे धीरे चलने, बुरोइंग यानी गड्ढा खोदने या स्विमिंग में किया जाता है। इनका बॉडी सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड होता है यानी भागों में बटा हुआ नहीं होता है। इनके बॉडी वाल के डॉर्सल पार्ट यानी इनके बॉडी वाल के ऊपर के पार्ट को मैंटल कहा जाता है। मैंटल कैल्केरियस सेल सीक्रेट करता है जो बहुत ही हार्ड होता है। मैंटल के नीचे मैंटल कैविटी प्रेजेंट रहता है। मैंटल कैविटी का यूज़ ब्रीदिंग और एक्सक्रीशन में किया जाता है। ऑर्थोपोडा की तरह ही मोलस्का में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है और इनमें एक्सक्रीशन के लिए किडनी की तरह ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। इनमें सीलोम या बॉडी कैविटी रिड्यूस्ड होता है यानी वेल डेवलप्ड नहीं होता है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है। इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सिर्फ एंटीरियर माउथ यानी आगे की ओर माउथ प्रेजेंट रहता है और पोस्टेरियर एनस यानी पीछे की ओर एनस प्रेजेंट रहता है। मोलस्का का एग्जाम्पल है स्नेल्स और ऑक्टोपस। 8th फाइलम है एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा में एकिनो का मतलब होता है स्पाइनी यानी कांटेदार और डर्मा का मतलब होता है स्किन। इस तरह से एकिनोडर्मेटा का मतलब है स्पाइनी स्किन यानी एकिनोडर्मेटा फाइलम के सभी ऑर्गेनिज्म का स्किन स्पाइनी यानी कांटेदार होता है। ये रेडियल सिमेट्री होते हैं यानी इनके बॉडी को किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी इनमें भी तीनों जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म प्रेजेंट रहता है और ये फ्री लिविंग होते हैं यानी ये अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते हैं। इनके सभी एनिमल्स मेरीन होते हैं यानी समुद्र में रहते हैं। इनके कोई भी एनिमल्स फ्रेश वाटर या ज़मीन पर नहीं रहते हैं। इनके बॉडी के चारों ओर एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्केलेटन प्रेजेंट रहता है। स्केलेटन का मतलब होता है एक रिजिड फ्रेमवर्क जो बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू और इंटरनल ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करता है। ऑर्थोपोडा और मोलस्का की तरह भी इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा इनमें सिलोम या बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट रहता है। एकिनोडर्मेटा में ट्यूब की तरह कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसमें वाटर भरा रहता है। इन ट्यूब के नीचे इनका फीट यानी पैर प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं ट्यूब फीट। इन ट्यूब में प्रेजेंट वाटर ट्यूब फीट यानी इनके पैर को चलने के लिए सक्शन प्रोवाइड करता है और इस तरह से एकिनोडर्मेटा में ट्यूब लाइक वाटर वास्कुलर सिस्टम इनके लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरे जगह में मूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये वाटर वास्कुलर सिस्टम इनके फीडिंग और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। एकिनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्किन और सी कुकुम्बर। 9th फाइलम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं और ये फीचर्स कॉर्डेटा को दूसरे फाइलम के एनिमल से अलग करते हैं। ये फीचर्स हैं, फर्स्ट है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड कार्टिलेज का बना हुआ एक रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो बॉडी के डॉर्सल सरफेस यानी अपर या बैक साइड में प्रेजेंट होता है। ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि इन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इसलिए इन एनिमल्स को कॉर्डेट्स कहा जाता है। सभी वर्टिब्रेट्स जैसे ह्यूमन में नोटोकॉर्ड मॉडिफाई होकर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी फॉर्म करता है। नोटोकॉर्ड नर्वस टिश्यू को गट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक से अलग रखता है और ये स्केलेटल मसल के अटैचमेंट के लिए भी सरफेस प्रोवाइड करता है। सेकेंड फीचर है इनमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के डॉर्सल सरफेस यानी अपर या बैक साइड में प्रेजेंट होता है यानी यहाँ नीचे रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड है और नोटोकॉर्ड के ऊपर रॉड लाइक स्ट्रक्चर डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड
सभी वर्टिब्रेट्स जैसे ह्यूमन में मॉडिफाई होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है। थर्ड फीचर है, इनमें गिल या फेरेंजियल स्लिट प्रेजेंट होता है। फेरेंजियल स्लिट फेरिंग यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ओपनिंग पार्ट में माउथ की ओर प्रेजेंट रहता है। ये फिश में गिल आर्चेस के रूप में बदल जाता है और फीडिंग यानी खाने और गैस एक्सचेंज के फंक्शन में हेल्प करता है। टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स जैसे ह्यूमन में गिल स्लिट जॉ यानी जबड़े में डेवलप हो जाता है। फोर्थ फीचर है, इनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। पोस्ट एनल टेल बॉडी के पोस्टेरियर पार्ट का एक्सटेंशन है और ये एनस के बाहर एक्सटेंड रहता है। ह्यूमन में पोस्ट एनल टेल सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय ही प्रेजेंट रहता है। एडल्ट ह्यूमन में ये प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा सभी कॉर्डेट्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनके बॉडी को सिर्फ एक सिंगल प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें तीन जर्म लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेजोडर्म प्रेजेंट होता है। इनमें सिलोम या ट्रू बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होता है। इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इनमें ऑर्गेन वेल डेवलप्ड होता है। इसके अलावा इनमें क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, यानी इनमें ब्लड ब्लड वेसल से होकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। कॉर्डेटा फाइलम को फर्दर तीन सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड है सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड है वर्टिब्रेटा। एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक प्रोटोकॉर्डेटा में पाए जाते हैं। फर्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा। इन एनिमल्स में लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड इनके कुछ एनिमल्स में जीवन भर प्रेजेंट होता है और कुछ एनिमल्स में लाइफ के सर्टेन स्टेज के लिए ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड नर्वस टिश्यू को गट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अलग करता है और ये बॉडी के मूवमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनके बॉडी को सिर्फ एक सिंगल प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें तीन जर्म लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेजोडर्म प्रेजेंट होता है और इनमें सिलोम यानी ट्रू बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होता है। ये जनरली मरीन वाटर यानी समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है बेलानोग्लॉसस और एम्फियोक्सस। सेकेंड है वर्टिब्रेटा। सभी वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद के स्टेज में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में डेवलप हो जाता है। यानी एडल्ट वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है। हमारे बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम हमारे बॉडी के डॉर्सल सरफेस यानी पीठ की ओर गर्दन के नीचे से स्टार्ट होकर पीठ के नीचे तक फैला रहता है। वर्टिब्रल कॉलम बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वर्टिब्रल कॉलम से होकर स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड पास होता है और इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इनमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मॉडिफाई हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है और इसी स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। इनका बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और इनमें सिलोम या ट्रू बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, यानी इनमें ब्लड वेसल से होकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। अधिकांश वर्टिब्रेट्स में स्किन स्केल्स फीदर या हेयर से कवर होता है। सभी वर्टिब्रेट्स में ऑर्गेन वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी इनमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इम्यून सिस्टम और एक सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। सभी वर्टिब्रेट्स को
कुछ कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर फर्दर 6 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा, सेकंड पाइसेस, थर्ड एम्फीबिया, फोर्थ रेप्टिलिया, फिफ्थ एप्स और सिक्स्थ है मैमेलिया। क्योंकि ये सभी वर्टिब्रेट्स हैं इसलिए इन सभी क्लास के एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स के सभी फीचर्स पाए जाते हैं, लेकिन इन सभी क्लास के एनिमल्स में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिनके कारण इन्हें अलग अलग क्लास में रखा गया है। नेक्स्ट पेज से हम इन सभी क्लास के एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमा का मतलब होता है माउथ, यानी साइक्लोस्टोमेटा का मतलब है सर्कुलर माउथ। इसलिए इस क्लास के सभी एनिमल्स का माउथ सर्कुलर यानी राउंड होता है। ये इलोंगेटेड यानी लंबे होते हैं और ये ईल की तरह दिखाई देते हैं। ये जॉलेस होते हैं यानी इनमें जबड़ा नहीं होता है। इनमें कुछ एनिमल मरीन यानी समुद्र में रहते हैं और कुछ फ्रेश वाटर यानी नदी या झील में रहते हैं। इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता है इसलिए इनका स्किन सॉफ्ट स्मूथ और स्लिमी होता है। इनमें फिन्स प्रेजेंट होता है लेकिन फिन्स पेयर में नहीं होते हैं, यानी इनमें पेयर्ड फिन एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें मीडियन फिन्स और साथ में फिन रेल प्रेजेंट होता है। फिन रेल कार्टिलेज का बना होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड सिर्फ इम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा में नोटोकॉर्ड जीवन भर प्रेजेंट रहता है। इनके हार्ट में 2 चैम्बर होता है और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमैक नहीं होता है, यानी इनमें ऑर्गन प्रेजेंट होता है लेकिन ऑर्गन वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट उन्हें कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर उनके स्किन पर रहते हैं लेकिन उनके बॉडी के अंदर इंटर नहीं करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा भी दूसरे फिश के ऊपर एक पैरासाइट की तरह रहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है लैम्प्रेस और हैगफिश। सेकेंड क्लास है पाइसेस। जितने भी फिश हैं वो इसी क्लास के अंदर आते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल जॉलेस होते हैं, लेकिन सभी पाइसेस में जॉ यानी जबड़ा प्रेजेंट रहता है। यानी वर्टिब्रेट्स के 6 क्लासेस में से पाइसेस फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स हैं। ये एक्वेटिक होते हैं यानी पानी में रहते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उन्हें कहते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अधिक होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इनका बॉडी स्पिंडल शेप्ड या स्ट्रीमलाइन के शेप में होता है। इनके बॉडी में मस्कुलर टेल भी प्रेजेंट होता है। ये अपने बॉडी के शेप और मस्कुलर टेल के हेल्प से वाटर में बहुत जल्दी मूव करते हैं। इनका स्किन स्केल्स या प्लेट से ढका होता है। ये स्केल्स वाटरप्रूफ होते हैं इसलिए ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा की तरह ही इनमें भी गिल्स प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनमें गिल्स पेयर में प्रेजेंट होता है। पाइसेस में 4 से 7 पेयर्स में गिल प्रेजेंट होता है। क्योंकि पाइसेस वाटर में रहते हैं इसलिए ये वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने गिल्स के द्वारा ऑब्टेन करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा की तरह ही इनके हार्ट में भी 2 चैम्बर होता है और ये एक ले करते हैं यानी अंडे देते हैं जिनसे नए पाइसेस प्रोड्यूस होते हैं। कुछ पाइसेस का स्केलेटन सिर्फ कार्टिलेज का ही बना होता है जैसे सार्क, और कुछ पाइसेस में स्केलेटन कार्टिलेज और बोन दोनों से ही बना होता है जैसे रोहू। थर्ड क्लास है एम्फीबिया। इस क्लास के एनिमल्स वाटर और लैंड दोनों पर ही रहते हैं, लेकिन ये अंडे सिर्फ वाटर में देते हैं। क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों पर ही रहते हैं इसलिए इस क्लास के एनिमल्स को
एम्फीबियंस कहा जाता है। पाइसेस की तरह ही ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये अंडे देते हैं, लेकिन इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता है। इनके बॉडी में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण इनका स्किन मॉइस्ट रहता है। साइक्लोस्टोमेटा और पाइसेस के हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, लेकिन एम्फीबियन के हार्ट में तीन चैम्बर होते हैं, क्योंकि एम्फीबियंस वाटर और लैंड दोनों में ही रहते हैं, इसलिए इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स और लंग्स दोनों ही प्रेजेंट होता है। यानी जब ये लैंड पर रहते हैं तो इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, और जब ये वाटर में रहते हैं तो इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। इनमें पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होता है, लेकिन अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये लैंड पर भी रहते हैं, इसलिए इनमें लोकोमोशन के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने के लिए टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट रहते हैं। एक पेयर आगे की ओर प्रेजेंट रहता है और एक पेयर पीछे की ओर प्रेजेंट रहता है। एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है टोड, फ्रॉग और सैलामेंडर्स। फोर्थ क्लास है रेप्टिलिया। ये क्रीपिंग टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है, यानी ये रेंगते हैं और जमीन पर रहते हैं। इस तरह से रेप्टिलियंस फर्स्ट वर्टिब्रेट है जो सिर्फ जमीन पर रहते हैं, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा और पाइसेस वाटर में रहते हैं और एम्फीबियंस लैंड और वाटर दोनों पर ही रहते हैं। पाइसेस और एम्फीबियंस की तरह ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनके बॉडी में एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होता है। स्किन के सबसे ऊपर के सरफेस को एपिडर्मिस कहते हैं। इनका स्किन ड्राई और रफ होता है, क्योंकि इनमें ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। एम्फीबियंस की तरह ही इनके हार्ट में तीन चैम्बर प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल के हार्ट में चार चैम्बर प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये लैंड में रहते हैं, इसलिए इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है। पाइसेस और एम्फीबियंस की तरह ही ये भी अंडे देते हैं, लेकिन इनके अंडों के ऊपर टफ कवरिंग होती है। रेप्टिलिया का एग्जाम्पल है स्नेक्स, टर्टल, क्रोकोडाइल और लिजार्ड। फिफ्थ क्लास है एप्स। जितने भी बर्ड्स हैं, यानी जो वर्टिब्रेट्स हवा में उड़ते हैं, वे इस क्लास के अंदर आते हैं। अब तक हम लोगों ने जितने भी वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा, वे सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, लेकिन एप्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स उन्हें कहते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होने पर भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इनका बॉडी फीदर्स यानी पंख से ढका होता है। क्योंकि एप्स हवा में उड़ते हैं, इसलिए इनका फोर लिम्स यानी आगे के लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिन्हें उड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, और इनका हिंड लिम्स यानी पीछे के लिम्स वॉकिंग यानी चलने या स्विमिंग यानी तैरने के लिए यूज़ किया जाता है। इनके हार्ट में चार चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और ये भी अंडे देते हैं। इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है। इनके अपर और लोअर जॉ यानी ऊपर और नीचे के जबड़े बीक यानी चोंच में मॉडिफाई हो जाते हैं, लेकिन इनमें टीथ प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें स्किन ग्लैंड भी एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें से अधिकांश एप्स में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जितने भी बर्ड्स हैं, जैसे पिगन, क्रो, ऑस्ट्रिच, इस क्लास के अंदर आते हैं। सिक्स्थ और लास्ट क्लास है मैमेलिया। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स इसी क्लास के अंदर आते हैं। एप्स की तरह मैमेलिया के एनिमल्स भी वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब तक हम लोगों ने जितने भी वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा, वे सभी एग ले करते हैं और एग से नए यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अधिकांश मैमेलिया यंग वंस को जन्म देते हैं। मैमल्स में बेबी का डेवलपमेंट फीमेल मैमल के बॉडी के अंदर होता है, और जब बेबी फुली डेवलप हो जाता है तो बॉडी के बाहर
चला आता है, यानी बेबी का जन्म होता है। लेकिन इनमें से कुछ मैमल जैसे एकिंडा एक ले करता है और कुछ मैमल जैसे कंगारू पुअरली डेवलप्ड यंग वंस को जन्म देता है। क्योंकि मैमल्स यंग वंस को जन्म देते हैं, इसलिए यंग वंस के नरिशमेंट के लिए इनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। मैमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है और मिल्क का यूज़ यंग वंस के नरिशमेंट के लिए किया जाता है। क्योंकि इस क्लास के एनिमल्स में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, इसलिए इस क्लास के एनिमल्स को मैमेलिया कहा जाता है। इस क्लास के एनिमल्स के हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट रहता है। इनके स्किन में ऑयल ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड भी प्रेजेंट रहता है और इनका पूरा बॉडी हेयर या फर से कवर रहता है। इस क्लास का एग्जाम्पल है कैट, रैट, बैट, ह्यूमन और कंगारू। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब तक हम लोगों ने डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ा। यहाँ हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों को मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते हैं, इसलिए डिफरेंट लैंग्वेज के लोग एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इससे ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है। इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी स्पेसिस को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दिया गया है। जैसे टाइगर के लिए एक अलग साइंटिफिक नेम है और लायन के लिए अलग साइंटिफिक नेम है। इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग स्पेसिस के साइंटिफिक नेम अलग अलग हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के इस सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी स्पेसिस का नाम दो भागों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेनस नेम और सेकेंड है उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का स्पेसिस नेम, और ये दोनों ही नाम लैटिन लैंग्वेज में है। क्योंकि इस सिस्टम में ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दो भागों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस सिस्टम को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। इस सिस्टम को कैरोलस लीनियस ने 18 सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। इस तरह से हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम के लिए हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज़ किया गया है। लेकिन इसमें हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के सिर्फ दो बेसिक यूनिट यानी ऑर्गेनिज्म के जेनस नेम और स्पेसिस नेम को लिया गया है। इसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर या फैमिली नेम का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ स्पेसिस नेम लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेम जेनस के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पेसिस के हो सकते हैं। जैसे टाइगर और लायन दोनों का ही जेनस नेम है पैंथेरा, यानी टाइगर और लायन दोनों का ही जेनस नेम सेम है। लेकिन टाइगर का स्पेसिस नेम है टाइग्रिस और लायन का स्पेसिस नेम है लियो, यानी टाइगर और लायन दोनों का ही स्पेसिस नेम अलग अलग है। इस तरह से टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस और लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। इस रूल को हम ह्यूमन के साइंटिफिक नेम से समझेंगे। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन। पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म के जेनस नेम और स्पेसिस नेम से मिलकर बना हुआ है। यहाँ फर्स्ट रूल है जेनस नेम हमेशा फर्स्ट में लिखा जाएगा और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। यहाँ होमो सेपियन में होमो ह्यूमन का जेनस नेम है और इसे पहले लिखा गया है और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। यहाँ एच कैपिटल में है। सेकेंड रूल है स्पेसिस नेम को हमेशा जेनस नेम के बाद में लिखा जाएगा और ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। यहाँ होमो सेपियन में सेपियंस ह्यूमन का स्पेसिस नेम है और उसे जेनस नेम के बाद में लिखा गया है और ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। यहाँ एस स्मॉल लेटर में है। थर्ड रूल है प्रिंट करने के समय साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में लिखा जाएगा। जब हम इटैलिक्स में कुछ लिखते हैं तो इस तरह से ये कुछ टिल्टेड यानी टेढ़ा होता है। जब भी हम किसी बुक में किसी एनिमल या प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ देखेंगे तो वो थोड़ा सा टेढ़ा रहता है,
क्योंकि वो इटैलिक्स में लिखा होता है। लास्ट रूल है, जब हम साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखेंगे तो जेनस नेम और स्पेसिस नेम के नीचे अंडरलाइन होगा, और ये अंडरलाइन एक साथ नहीं बल्कि जेनस नेम और स्पेसिस नेम में अलग अलग होगा। यहाँ होमो सेपियन में होमो और सेपियन दोनों के नीचे ही अंडरलाइन है, और ये अंडरलाइन होमो में अलग है और सेपियन के नीचे अलग अंडरलाइन है। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।